हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सारे जो वैकेंसी निकला हुआ है उस वैकेंसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली वैकेंसी क्या क्या आया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग, फायरमैन कम फायर, इंजन ड्राइवर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये सब वैकेंसी आया हुआ है। इस वैकेंसी में कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, कहां पर वैकेंसी रहेगा, उसके लिए एज कितना होना चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ये 29/8/2022 में एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं माइनिंग फॉरमैन के। माइनिंग फॉरमैन में 24 वैकेंसी है, उसमें से एसटी में 4 है, एसटी में 5 है, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 2, यूआर में 10, कुल मिलाकर 24 है। और इसी तरह माइनिंग मेट का 55 वैकेंसी टोटल है। पहले इससे पहले आया था 50, उससे पहले 61 का वैकेंसी आया हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर माइनिंग मेट और माइनिंग फॉरमैन का वैकेंसी रहता है। और इसी मेट और फॉरमैन का आपने कैसे रिटर्न क्वालिफाई कीजिएगा उसके बारे में मैं बताऊँगा, और क्लास भी हम लोग चालू कर देंगे। आपने अभी घबराए मत, क्योंकि सेल का जब भी वैकेंसी आता है अप्लाई करने के बाद 1.5 साल या 2 साल के बाद ही उसका रिटन एग्जाम होता है। इसमें एससी में 9 है, एसटी में 12 है, ओबीसी में 6 है और ईडब्ल्यूएस में 5 है, यूआर में 23 है, कुल मिला के 55 है। और बाकी सब में हम नहीं जा रहे हैं, बाकी सब जितना रहेगा वो मेट फॉरमैन के अंदर में नहीं आता है। और इसी तरह मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, सिविल सब में आया हुआ है। अभी हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए। इनका एज फॉर्म 18 to 30 इयर्स के अंदर में होना चाहिए। वो इसमें लिखा हुआ है फुल टाइम बीटेक उनको किए होंगे, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट से वो पास आउट होंगे, उनका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, वो पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स में वो पढ़ाई किए होंगे, उनको ओडिया लैंग्वेज का जानकारी रहना चाहिए। ये असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर माइनिंग फॉरमैन क्या है। माइनिंग फॉरमैन में क्या है, वो मैट्रिकुलेशन के बाद फुल टाइम डिप्लोमा 3 इयर्स किए होंगे, उनका पास माइनिंग फॉरमैन सर्टिफिकेट रहना चाहिए इशूड बाय डीजीएम धनबाद, उनका पास में 1 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ज़्यादातर जो रिटर्न होता है, रिटर्न कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है आदमी लोग को वहीं पर काट देता है, क्योंकि सर्टिफिकेट का इफेक्टिव डेट के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस वो सेल काउंट करता है। इसीलिए जिसका 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा वो अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपको रिटर्न क्वालिफाई भी अगर करते हैं तो भाईबा में जो रहेगा स्किल एंड ट्रेड टेस्ट के टाइम पे आपको जो वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको काट देता है। तो इसीलिए आपने आपका एक्सपीरियंस अगर है तो आप अप्लाई करें। अगर ऐसा चाहते हैं कि हम कैसा क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो आप अटेंड कर सकते हैं। और क्या है माइनिंग मेट, हम ओनली माइनिंग मेट और माइनिंग फॉरमैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी का हम तैयारी करवाएंगे सभी को, जैसे कि माइनिंग मेट और माइनिंग फॉरमैन अच्छे से क्वालिफाई करने सेल में उनको तुरंत जल्दी नौकरी हो जाए। माइनिंग मेट के लिए क्या रहेगा, उनका 18 से लेकर के 28 तक रहना चाहिए एज, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओबीसी के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है एसटी और एससी के लिए। तो इसके लिए क्या है, मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट स्ट्रेंथ रहना चाहिए और माइनिंग मेट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस फील्ड का, एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस उनका
रहना चाहिए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन। उसमें मेल कैंडिडेट कैन बी अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑपरेटर ट्रेनिंग, उसमें ऑपरेटर ट्रेनिंग में ये लगकर ही अप्लाई करेगा। और पहले बात करते हैं वो कैसे अप्लाई कीजिएगा। आपने www.selectcandidate.com में जाके आप अपना फॉर्म, उसमें इस वेबसाइट में जाने के बाद आपने माइनिंग मेट या माइनिंग फॉर्म का जो अप्लाई करना है करिएगा, क्योंकि सारे डिटेल्स हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सारे डिटेल्स अगर बताएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसका लिंक जो है आप सभी को मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये आपने डाउनलोड कर दीजिएगा। मैं बेसिक चीज बता दे रहा हूँ, ये इसका स्टार्टिंग अप्लाई डेट है 6/9/2022, क्लोजिंग डेट है 13/9/2022। 30 को वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ उसमें आपको मतलब अप्लाई करने का टाइम में हो कुछ अगर दिक्कत होता तो इस नंबर पे आपने कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए पहले, उसके बाद हम शुरू से जाते हैं। तो अभी जानते हैं इसके लिए तनख्वाह कितना रहेगा। पहले क्या होता था, जब उनका वेज रिवीजन नहीं हुआ था तो माइनिंग मेट का सैलरी 15,830 रुपया था, और अभी क्या हुआ है 25,070 रुपया है, और माइनिंग फॉरमैन के लिए कितना है, माइनिंग फॉरमैन सर्वेयर और बॉयलर ऑपरेटर के लिए 26,600 रुपया बेसिक पे है, और 3% वो हर साल इंक्रीमेंट, बेसिक का 3% इंक्रीमेंट वो होगा। माइनिंग मेट में आपको S1 ग्रेड मिलेगा, माइनिंग फॉरमैन में S3 ग्रेड आपको मिलेगा। हर 4 साल में एक ग्रेड आपका चेंज हो जाएगा, और ये बेसिक सैलरी, इसमें आपका इंसेंटिव लागू होगा और अदर अलाउंस सब लागू होगा, क्योंकि ये जब ज्वाइनिंग की जाए तब आपको पता चल जाएगा। तो पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई भी करना है, इसीलिए आपको पढ़ाई भी करना जरूरी है। इसमें एज रिलैक्सेशन देखिए, एज रिलैक्सेशन में क्या बता रहा है, द मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट STSC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कोई है उनके लिए एज 45 तक काउंट किया जाएगा, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। मान लीजिए 28, कोई अगर माइनिंग मेट या माइनिंग फॉरमैन का एज 28 से पर हुआ है, वो OBC में आता है, तो वो क्या करेंगे 31 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। जब साइड ओपन हो जाएगा तब आपने ये अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आप निश्चिंत से आराम से अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ये हाइट वगैरह सब फिजिकल जो लिखा है उसको भी आपने देख लीजिएगा। और क्या है कि इसमें देखिए टेस्ट सेंटर और कहाँ कहाँ पे सेंटर, राउरकेला दिया हुआ है, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम, रांची, कोलकाता, रायपुर, इतने में सेंटर सब है। आपका जो सेंटर नजदीक होगा वो सेंटर में आपने अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फी के लिए OBC कैंडिडेट के लिए 300 रुपया लगेगा माइनिंग मेट के लिए, और माइनिंग फॉरमैन के लिए 500 रुपया लगेगा, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 700 रुपया लगेगा। ये STSC
के लिए इतना रुपया वो देना होगा। इसमें आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू अपने पेमेंट कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अपने वहीं से डाउनलोड करके सारे के सारे पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि हमने बेसिक बता दिए हैं कि ज़्यादा अंदर में घुसना नहीं है। सीधा बात है, आपने www.sellcareer.com में आपको जाना है, उसमें कब जाना है, 6 तारीख को आपको जाना है, 30 तारीख से पहले, 30 तारीख को भी करने से चलेगा, लेकिन इससे पहले आपने अच्छा से होगा तो जितना जल्द कर देना अच्छा रहेगा। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसका क्वेश्चन पेपर पिछले ईयर का जो था, क्योंकि ये हर साल चेंज होता है, पहले कुछ अलग था, नेक्स्ट ईयर इसका प्रीवियस ईयर कुछ दूसरा था, ये उसका क्वेश्चन हर टाइम चेंज करता है। आपको ऑनलाइन क्लास देने का सुविधा रहेगा, हमारे चैनल के तरफ से आपको गाइड मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन का टोटल जानकारी आपको हम दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।